नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन लगभग ख़त्म होने आ रहा है और बहन बेटियों को विदा करने का समय आ रहा है, और बहन बेटियों को मिठाई देना तो बनता ही है। तो चलिए अब की बार इन्हें घेवर देकर विदा करते हैं। घेवर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा घी और 125 ग्राम मैदा। दोस्तों, वैसे तो घेवर बनाने के लिए घी को हाथ से फेंटते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में मिक्सी से फेंटूंगी। सबसे पहले मिक्सी में घी और थोड़ा सा चिल्ड पानी डालकर एक मिनट तक फेंटेंगे। देखिए, घी एकदम क्रीमी हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा और थोड़ा थोड़ा चिल्ड पानी डालकर मिक्सी चलाएंगे। ध्यान रहे, मैदा एक साथ मिक्सी में नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। एक साथ डालने से बैटर सही नहीं बनेगा और पानी एकदम चिल्ड होना चाहिए। दोस्तों, बैटर एकदम तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए। इस बैटर को बनाने के लिए लगभग 600 ml पानी लगा है। अब बनाते हैं घेवर। मैं घेवर टोपिया में बना रही हूँ, बिना मोल्ड यूज किए। अब गैस पे टोपिया रख कर उसमें घी डालेंगे। घी आधा टोपिया से थोड़ा कम होना चाहिए। देखिए, घी एकदम गर्म हो गया है। अब धीरे धीरे करके चम्मच की सहायता से ऊपर से बैटर डालेंगे। बैटर को धीरे धीरे डालने से ही घेवर की जाली सही बैठेगी। बीच बीच में इसे चक्कू की मदद से घेवर का छेद बनाते रहिए। थोड़ी देर बाद एक चक्कू की मदद से इसे साइड से फ्री करेंगे। देखिए, घेवर पूरा फ्री हो गया है। अब थोड़ा और सेक के इसे बाहर निकालेंगे। देखिए, घेवर तैयार हो गया है और कितनी अच्छी इसकी जाली आई है। अब इसे बाहर निकालते हैं और इसी तरह और भी घेवर बना लेते हैं। सारे घेवर मैंने बना लिए हैं। अब इसकी चाशनी की तैयारी करते हैं। चाशनी के लिए एक कढ़ाई में एक कप चीनी और आधा कप पानी डालकर चाशनी बनाएंगे। देखिए, चीनी पूरी घुल गई है और चाशनी बनकर तैयार हो गई है। चाशनी चिपचिपी वाली चाहिए, लेकिन उसकी तार नहीं बननी चाहिए। अब घेवर को चाशनी पिलाते हैं। आप घेवर को फीका खीर के साथ भी खा सकते हो, चाशनी पिला के मीठा भी खा सकते हो, या मलाई के साथ भी खा सकते हो। मैं घेवर को मलाई के साथ सर्व कर रही हूँ। मैंने मलाई पहले से ही बना रखी है। इसकी रेसिपी नंबर 45 में आप देख सकते हो। अब फाइनली ऊपर से बादाम की कतरन और पिस्ता से गार्निश करते हैं। मलाई घेवर खाने के लिए तैयार है, तो आप भी एक बार अपने घर में बनाकर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।